होस्ट हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अली हसन। अलकाएं फाउंडेशन मेरे सर, मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं काफ़ी सवाल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने सवाल पूछे हैं और काफ़ी लंबे लंबे सवाल पूछे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो उसको तीन सेशन में हम डिवाइड करेंगे और इसके लिए तीन डिफरेंट वीडियोज़ बनाएंगे। पहले सेशन में जो है वो पहला जो क्वेश्चन है तैयबा है इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा सर ब्लड डोनर ब्लीड करवाने से पहले कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और लेडीज़ डोनर का HB कितना होना चाहिए ताकि वो ब्लड डोनेट कर सकें, CBC में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली बात बेटा ये है कि जो ब्लड डोनर जो है कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, उसको सबसे पहले जो है वो देखना ये चाहिए कि एक हमें WHO ने ठीक है हमें आउटलाइंस दी हैं कि आपने डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो आपने डोनर को सिलेक्ट करना है, उसको फिर आपने जो है वो ब्लीड करना है। सबसे पहले क्या है कि एक आपके पास डोनर आता है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका हार्ट रेट चेक किया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर ना हो, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो, स्किन डिजीज़ ना हो, एलर्जीज़ ना हो, उसका ऑपरेट ना हुआ हो ठीक है, फिर उसको वैक्सीनेशन ना हुई हो, उसको वैक्सीनेशन की मद में अगर 6 माह हो गए हुए हैं तो फिर वो ब्लड डोनर जो है ब्लड दे सकता है, अगर 6 माह से कम टाइम है तो वो ब्लड नहीं दे सकता, किसी भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। तीसरी चीज़ जो है वो आप जो इसमें आपने जो फर्दर आगे है उसमें ये है कि आपने देखने उसको हेपेटाइटिस वगैरह ना हो, BC हेपेटाइटिस ई ना हो ठीक है, ए हेपेटाइटिस ए ना हो, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस ना हो, उसको जो है वो सिफिलिस ना हो, मलेरिया ना हो, उसको जो आप कह सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से जो है वो डिजीज ना हो, HIV वगैरह ना हो ठीक है, सुजाक जिसे सिफिलिस हम कहते हैं वो ना हो, इसके साथ साथ आपने ये देखना है उसको TB ना हो। अगर इन चीज़ों में से जो है वो उसने जो जैसे कहते हैं कि ये चीज़ें उसने ना ली हो, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो, तो उसको हम ब्लड उसका ब्लड ब्लीड कर सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ें हो रहे हैं कि अगर उसको ब्लड 1 साल के अंदर अंदर लगा हो तब भी वो बंदा ब्लड नहीं दे सकता, और जो लास्ट चीज़ है इसमें कि उसकी कोई सर्जरी हुई हो 1 साल पहले, वो उस 1 साल के अंदर अंदर जब उसकी सर्जरी हुई है तो वो ब्लड नहीं दे सकता। अगर उसकी सर्जरी के साल के बाद आपने उसको ब्लीड करना है तो ये सारे पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है तो हम उसको जो है उससे ब्लड ले सकते हैं, वो भी जो वहाँ पे डॉक्टर बैठा होगा उसको प्रॉपरली एग्जामिन करेगा और फैसला करेगा कि ये जो है ब्लड हम इससे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हमारे पास ये जो है डोनर कंसेंट फॉर्म इसको हम कहते हैं, ये डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, और जो भी डॉक्टर बैठता है या जो भी डॉक्टर डोनर्स को सिलेक्ट करता है वो इसको प्रॉपरली फिल करके इसके ऊपर स्टैम्प करता है और लिखता है कि डोनर फिट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर वो जो है वो इसको देख के नहीं करेगा तो उसमें क्या है कि अगर इसमें वो कोई चीज़ निकल आती है तो वो करेगा कि ये अनफिट है और वो उसका ब्लड किसी सूरत में ब्लीड नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो लड़कियों की HB कितनी होनी चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल में 12 से 17 ग्राम्स पर लीटर कहा जाता है और फीमेल्स में 11 से 16 तक कहा जाता है। अब अगर एक फीमेल जो है उसकी HB 11 है तो शी इज़ एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, अगर उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। CBC में किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, CBC में बेटा ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसमें आपने सबसे पहले जो है वो WBC देखनी है कि WBC ना अल्टर हो रहे हो, अगर WBC ऊपर नीचे होते हैं, अगर वो 11,000 से ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन की स्टेट में है बंदा। WBC के बाद RBCs हैं वो देखना है, हीमोग्लोबिन लेवल देखना है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो और RBC काउंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि सेल साइज में छोटे हैं, उसकी वजह से जो है वो उसको HB उसकी कम है। तीसरी जो चीज़ है आपने प्लेटलेट्स देखने हैं, प्लेटलेट्स को आपने मोनिटर करते रहना है ठीक है। फिर रेड सेल इंडिसेस हैं जिसमें MCV MCH MCSC और SCT ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, इनको आपने देखना है, इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, अगर इनकी वैल्यूज़ में कोई इशू आ जाता है तो फिर आप इनको ही सामने रख के आप उसका एनीमिया जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।